कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉन्क को देखा जाता है जिसके पास तीन मॉन्स्टर होते हैं, पिग मॉन्स्टर, फिश मॉन्स्टर, मंकी किंग। दरअसल तीनों मॉन्स्टर मॉन्क की हेल्प करते हैं बुरे शैतानों को पकड़ने में। इसके बाद हमें मॉन्क को इंडिया के किसी शहर में सोया हुआ दिखा जाता है जिसे छोटे छोटे इंसान नीचे उठा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मॉन्क के मास्टर आते हैं और उससे बोलते हैं, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने तीनों शैतानों को सुधार कर अच्छा शैतान बनाया है, इसलिए हम तुम्हें एक छोटा सा अवार्ड दे रहे हैं जो दिखने में एक रिंग की तरह लग रहा था। जब मॉन्क अवार्ड रिंग को अपने सिर पे पहनता है तो अवार्ड डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसके वजह से मॉन्क की नींद खुल जाती है और वो सोचता है, लगता है मैं सपना देख रहा था। असल में मॉन्क जिस जगह पे सो रहा था उस जगह पे सर्कस हो रही थी। तभी मॉन्क के पास एक सर्कस वाला आता है और उससे बोलता है, अगर तुमने सर्कस नहीं दिखाया तो मालिक तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। दरअसल मॉन्क अपने तीनों साथियों के साथ सर्कस दिखाने के लिए गया होता है, लेकिन वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तभी उसके पास दो औरतें आती हैं और मॉन्क से बोलती हैं, तुम किस तरह का खेल दिखा रहे हो, जिससे मॉन्क अपने पिग और फिश मॉन्स्टर से उनको एंटरटेन करता है, लेकिन उनका बच्चा फिश मॉन्स्टर के डरावने फेस को देख के रोने लगता है। और दोनों औरतें मॉन्क से बोलती हैं, तुम हमें क्या दिखा रहे हो, हमें कोई मजा नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे सर्कस का हेड आ जाता है और मॉन्क के साथियों यानी मॉन्क के मॉन्स्टरों का बेइज्जती करने लगता है, लेकिन मॉन्क उन सभी को शांत करवा के उनसे बोलता है, अब मैं आप लोगों को अपने मंकी से मिलवाता हूँ। मंकी मॉन्क के बातों को सुनकर पेड़ पे से धड़ाम से गिर जाता है। ये देखकर सभी तीनों मॉन्स्टरों और मॉन्क की बेइज्जती करने लगते हैं, जिसके कारण पिग गुस्सा हो जाता है और एक औरत के ऊपर अटैक करने लगता है और मंकी पिग को ये सब करने से रोकता है। इसके बाद तीनों मॉन्स्टर प्लान करते हैं कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए और तीनों कुछ दिखाने के चक्कर में पूरे सर्कस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मॉन्क उन सभी को ये सब करने से रोकते हैं पर मंकी किंग नहीं रुकता, जिसके कारण मॉन्क मंकी से गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ गोस्ट हंटर को देखते हैं जिसे एक लड़की ने बुलाया होता है और वो उनसे बोलती है, मेरे माँ के अंदर भूत है क्योंकि वो अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। लड़की की बात सुनकर तीनों गोस्ट हंटर उसके माँ के सामने गोस्ट निकालने वाले मिरर को रखते हैं, जिससे उन तीनों हंटरों को पता चल जाता है कि इस औरत के अंदर गोस्ट नहीं है बल्कि इसके बेटी के अंदर है। तभी लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और तीनों गोस्ट हंटरों के ऊपर अटैक करके उनको मार देती है। दरअसल ये एक स्पाइडर मॉन्स्टर होती है जो इंसानों को अपने बातों में फंसा कर इसी तरह से मार देती है। इसके बाद हम मॉन्क को देखते हैं जो मंकी की पिटाई कर रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने मास्टर की बात नहीं सुनी और पूरे सर्कस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए मास्टर उसको पीट रहे थे। जब मास्टर मंकी की पिटाई कर रहे थे तो उनके पास पिग मॉन्स्टर आता है और उनसे बोलता है, जब आप मंकी को मारते हैं तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। उसकी बात सुनकर मंकी पिग को मारने लगता है और उससे बोलता है, जब मैं तुम्हें मारता हूँ तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। इसके बाद रात में जब मंकी किंग सो रहा था तो उसको सपना आता है कि बुद्धा अपने पंजों से फिर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिससे वो डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन मास्टर मंकी से बोलते हैं, सो जाओ ये सपना है। मॉर्निंग में मॉन्क को प्यास लग जाता है और वो पानी के चक्कर में एक घर के पास जाता है और घर में से एक सुंदर सी लड़की निकलती है और मॉन्क से बोलती है, पानी क्यों, आइए मैं आपको खाना ही खिला देती हूँ। और तभी वहाँ पे और सुंदर लड़कियाँ आने लगती हैं और वहाँ पे मॉन्क के साथी भी आ जाते हैं यानी पिग मॉन्स्टर, फिश मॉन्स्टर, मंकी किंग। और पिग उन सभी लड़कियों को देखकर उनके प्यार में पड़ जाता है। फिर हम मॉन्क को देखते हैं जो एक लड़की से बोलते हैं, हम शैतान के शिकारी हैं, अगर आपके घर में कोई शैतान है तो हमें बताइए, हम उसको भगा सकते हैं। लड़की मॉन्क की बात सुनकर उनसे बोलती है, हमारे घर में कोई शैतान नहीं। इसके बाद मॉन्क अपने तीनों साथियों के बारे में बताते हैं, ये तीनों मेरी हेल्प करते हैं बुरे शैतानों को पकड़ने में, जिससे लड़की को पता चल जाता है कि ये सब शैतान है और वो उनके असली रूप को भी देख लेती है। लेकिन मंकी को इन सारी लड़कियों की सच्चाई दिख रही थी, वो इन सभी लड़कियों को देखकर समझ जाता है कि ये सब स्पाइडर मॉन्स्टर हैं। इसके बाद मंकी एक लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है, मारो मुझे वरना मैं तुम्हें मारूंगा। मंकी की बात सुनकर वहाँ पे फिश मॉन्स्टर आ जाता है और मंकी को स्लैप कर देता है, जिससे मंकी गुस्सा आ जाता है और फिश से बोलता है, मैं इस लड़की को मारने को बोल रहा था, तुमने क्यों मारा। मास्टर दोनों को देखकर गुस्सा आ जाते हैं और उन दोनों को घर से बाहर भगाने लगते हैं, लेकिन तभी सभी लड़कियां अपने स्पाइडर मॉन्स्टर के असली रूप में आ जाती हैं और मास्टर को पकड़ लेती हैं। मास्टर अपने तीनों मॉन्स्टर को रोकते हैं और उससे बोलते हैं, जल्दी मुझे बचाओ नहीं तो ये सब मुझे खा जाएंगी। तीनों मॉन्स्टर अपने मास्टर की बात सुनकर एक एक करके सभी स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। मंकी मॉन्क को स्पाइडर के चुंगुल से उनको बचाता है और सभी स्पाइडर मॉन्स्टर को मार के घर से बाहर फेंक देता है। इधर हम पिग को देखते हैं जो स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट करते करते उसको किस करने लगता है और स्पाइडर मॉन्स्टर उसको दीवार
दीवार पे चिपका कर वहाँ से भाग जाती है। फिश मॉन्स्टर पे भी एक स्पाइडर अटैक कर देती है, मगर फिश उसके पूरे जहर को अपने मुंह में लेकर उसके ऊपर फेंक देता है और उसको अपने भाले से भी मार देता है। और फिश मॉन्स्टर की तबीयत भी खराब होने लगती है क्योंकि उसने स्पाइडर के जहर को अपने मुंह में ले लिया था। इसके बाद हम मंकी को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि इस घर के नीचे इन स्पाइडरों मॉन्स्टर की रानी है जो दिखने में बहुत बड़ी है। तभी वहाँ पे छोटे छोटे स्पाइडरों की बारिश होने लगती है और जमीन भी नीचे धस जाता है, जिससे तीनों मॉन्स्टर और मॉन्क जमीन के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक स्पाइडर मॉन्स्टर आता है जो इन सभी स्पाइडरों की रानी होती है, लेकिन मंकी उसको भी नहीं छोड़ता और बुरी तरह से मार कर उसको खत्म कर देता है। मंकी के इस करतूत से मॉन्क गुस्सा हो जाते हैं और मंकी से बोलते हैं, तुम्हें इसको मारना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं उसको डॉल बनाना चाहता था। इसके बाद रात में जब तीनों मॉन्स्टर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी फिश मॉन्स्टर की तबीयत खराब होने लगती है और उसी टाइम तीनों मॉन्स्टर प्लान करते हैं कि हमें मॉन्क को मार के यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि उसने हम लोगों से बहुत गुलामी करवाया है। जब तीनों बात कर रहे थे तभी मास्टर उन तीनों की बातों को सुन लेते हैं और एक पहाड़ पे जाकर बुद्धा से बोलते हैं, मेरे मॉन्स्टर पागल हो गए हैं और मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे उन तीनों से बचाना। लेकिन पिक अपने मास्टर की बातों को सुन लेता है और मॉन्क भी उसको देख लेते हैं और उससे बोलते हैं, अगर तुमने अपना मुंह खुला तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन पिक सारी बातों को मंकी से बता देता है, जिससे मंकी मॉन्क को मारने के लिए उनके ऊपर अटैक करने लगता है। मंकी अपने मास्टर से बोलता है, मुझे अपने बुद्धा के पंजों की शक्ति को दिखाइए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा क्योंकि आपने हमसे बहुत गुलामी करवाई है। मंकी की बात सुनकर मास्टर अपने बुद्धा के पंजों के शक्ति को दिखा देते हैं और मंकी बुद्धा के पंजों को देखकर डर जाता है और मास्टर से बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है और पिग मॉन्स्टर को मारने लगता है और उससे बोलता है, तुमने मुझे पागल समझा है। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और मंकी को रोकते हैं और पिग से बोलते हैं, मैंने तुमसे बोला था अपना मुंह बंद रखना लेकिन तुमने नहीं रखा, इसलिए तुम्हें सजा मिली। मॉर्निंग में हम देखते हैं फिश मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और तीनों एक शहर में जाते हैं जहां की रानी मॉन्क और उनके साथियों का स्वागत करती हैं और उन सभी को महल में ले जाती हैं, जहां पे मॉन्क देखते हैं कि सारे सैनिक बाहर ऐसे क्यों बैठे हैं। रानी बोलती है, क्योंकि ये सब गेम हार गए हैं और इन्हें सजा मिली है। रानी मॉन्क से बोलती है, राजा दवा ले रहे हैं जवान होने के लिए क्योंकि वो छोटे से बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। रानी मॉन्क यानी मास्टर से बोलती है, जो राजा करने को बोलेंगे आप वही करना, नहीं तो राजा आप लोगों को भी उसी तरह बाहर भेज देंगे। पिग मॉन्स्टर सारी लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ के राजा मॉन्क को देखकर उससे बोलते हैं, तुम शैतान के शिकारी हो इसलिए तुम हमें कोई कर्तव्य करके दिखाओगे, जिससे तीनों मॉन्स्टर और मॉन्क प्लान करते हैं। मंकी मॉन्क से बोलता है, मैजिक पेपर के हेल्प से जो मैं करूंगा आप वही करना, और सब मास्टर के पीठ पे मैजिक पेपर को चिपका देते हैं और उन्हें बाहर भेज देते हैं राजा को इंटरटेन करने के लिए, जिससे राजा मास्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और जिस तरह मंकी एक्टिंग करता है उसी तरह मास्टर भी एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करते करते मंकी पिक को स्लैप कर देता है, जिससे मास्टर भी राजा को स्लैप कर देते हैं और राजा रोने लगता है। मास्टर ये सब देखकर डर जाते हैं और रानी मास्टर को महल से बाहर निकाल देती हैं और बोलती हैं, जल्दी से यहाँ से बाहर चल जाओ नहीं तो राजा तुम सभी को मरवा देंगे। मास्टर जानते थे कि ये सब मंकी की गलती है और वो मंकी से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मंकी मास्टर से बोलता है, आपने तो मेरी बहुत बार बेइज्जती की है, एक बार आपका हुआ तो आपको पता चल गया, जब आप मेरी बेइज्जती करते हैं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मंकी की बात सुनकर मास्टर सोचने लगते हैं कि मैंने मंकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिससे उनको पता चल जाता है कि दूसरों की बेइज्जती करने से उनको कैसा लगता है, और वो अपने बुरे व्यवहार के लिए मंकी से माफी मांगने लगते हैं और मंकी मास्टर को माफ भी कर देता है। मंकी किंग अपने मास्टर से बोलता है, यहाँ का राजा एक रोबोट बॉय है जो एक मॉन्स्टर है, मुझे पता चल गया है, जिससे फिर सब महल में जाते हैं। मंकी वहाँ के राजा के पास जाकर उनसे बोलता है, मारो मुझे नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। मंकी राजा को स्लैप करने लगता है, जिससे राजा भी मंकी को स्लैप करने लगता है, और तभी राजा गुस्से में आके अपने असली रूप में आ जाता है और मंकी के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और राजा एक रोबोट बॉय में बदल जाता है। मंकी किंग रोबोट बॉय से बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, आज देख भी लिया। तभी दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन मंकी किंग रोबोट बॉय से ज्यादा पावरफुल होता है और वो रोबोट बॉय को मार के हरा देता है, जिससे फिश मॉन्स्टर अपने पावर से उसको बर्फ में जमा देता है और मास्टर उसको अपने जादुई कपड़े से डॉल में बदल देते हैं। तभी वहाँ का असली राजा दिख जाता है, जो कि रोबोट बॉय असली राजा को जमीन के अंदर कैद किया होता है, और राजा के आने खुशी में रानी मॉन्क को ढेर सारी लड़कियाँ तोहफे में देती है और राजा मास्टर यानी मॉन्क से बोलते हैं, ये सब लड़कियाँ आप लोगों की देखभाल करेंगी। तभी राजा को एक सुंदर लड़की दिखती है और उसको मास्टर भी
पहले से देख के अपने प्यार डुआन को याद कर रहे थे। दरअसल उस लड़की का नाम वेलोसिटी होता है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। राजा मास्टर से बोलते हैं, आप इस लड़की को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन मास्टर मना कर देते हैं और महल से सभी बाहर निकल जाते हैं। रात में मास्टर वेलोसिटी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मॉन्क मॉर्निंग में राजा के पास जाते हैं वेलोसिटी को लेने के लिए, पर राजा मॉन्क से बोलते हैं, जब आपने उसको ले जाने से मना कर दिया था तो मैं उससे शादी करने जा रहा था, लेकिन अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा, आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। और मास्टर भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि वेलोसिटी उनके साथ थी। मंकी वेलोसिटी को पहले से देख के ही समझ गया था कि ये एक मॉन्स्टर है और वो इस बारे में मास्टर से वेलोसिटी के बारे में बताता है। कुछ शैतान ऐसे होते हैं जो ऐसे ही इंसान के बेस में हमारे साथ ही रहते हैं, पर हम उनको पहचान नहीं पाते। एक दिन वेलोसिटी अपने बालों को धुलकर आ रही थी और मंकी उसको एक मिरर देता है। दरअसल ये एक ऐसा मिरर होता है जिससे मास्टर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मिरर वेलोसिटी के ऊपर काम नहीं करता, जिससे मंकी पता लगाने के लिए उसके हाथों को कट कर देता है और उसके ब्लड को मिरर के ऊपर गिराकर चेक करने लगता है, पर उसको कुछ भी पता नहीं चलता। ये सब देख के मास्टर वहाँ आ जाते हैं और मंकी को ये सब करने से रोकते हैं, जिससे मंकी और गुस्सा हो जाता है और वेलोसिटी से बोलता है, तुम कहाँ से आई हो? वो बोलती है, पहाड़ के उस पार गांव से। मंकी वेलोसिटी से बोलता है, हमें अपने गांव ले चलो, जहाँ पे मास्टर वेलोसिटी के पूरे परिवार से मिलते हैं। पर मंकी को उन सभी के ऊपर शक होता है, इसलिए वो वेलोसिटी के पूरे परिवार को मारने लगता है। दोनों मास्टर मंकी को ये सब करने से रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता और मंकी वेलोसिटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर वेलोसिटी को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। मंकी मास्टर से बोलता है, ये एक मॉन्स्टर है, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? मास्टर मंकी से बोलते हैं, तुमने इसी तरह मेरे प्यार डुआन को मार दिया था, लेकिन मैं वेलोसिटी को मरने नहीं दूंगा। मंकी मास्टर से बोलता है, मैं सोचता था आप सब कुछ भुला दिए हैं, लेकिन मैं गलत समझ रहा था। मास्टर मंकी से बोलते हैं, अगर मैं दिखावा नहीं करता तो तुम मुझे कब का मार दिए होते? मास्टर की बात सुनकर मंकी गुस्सा जाता है और उनसे बोलता है, अब मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, अब मैं आपके मन से काम नहीं करूंगा, अब मैं अपने मन से बुरे शैतानों को पकड़ के मार दूंगा। इसके बाद हम रात में वेलोसिटी और मास्टर को देखते हैं। वेलोसिटी मास्टर से पूछती है, मास्टर वेलोसिटी से बोलते हैं, वो भी तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन मंकी ने मेरे प्यार को मार के खत्म कर दिया। तभी वहाँ पे पिग और फिश मॉन्स्टर आते हैं और मास्टर से बोलते हैं, मंकी गुस्से में आकर पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर रहा है और मंकी ने सभी को मार दिया है। मास्टर मंकी से बोलते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मंकी मास्टर से बोलता है, मैंने जितने भी शैतानों को मारा है सब बुरे शैतान ही थे, लेकिन आप मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं। और मंकी वेलोसिटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मास्टर उसको रोक लेते हैं। पर मंकी गुस्सा में होता है और वो मास्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और वेलोसिटी ये सब देख के मास्टर से बोलती है, मैं एक शैतान हूँ, मैं अभी तक नाटक कर रही थी, पूरा गांव ही एक नाटक है। वेलोसिटी मंकी से बोलती है, कुछ साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड और मुझे मार दिया गया था, मेरी बॉडी तो खत्म हो गई पर मेरी आत्मा नहीं मरी। वेलोसिटी की बात सुन के मंकी किंग अपने असली रूप में आ जाता है और मास्टर को निगल जाता है और पहाड़ पे चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे रानी और रोबोट बॉय आ जाते हैं। दरअसल रानी भी एक मॉन्स्टर होती है जो ये सब मिलकर एक प्लान बनाए होते हैं, जिससे वो मंकी किंग को अपना गुलाम बना सके। तभी मंकी मास्टर को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। मास्टर रानी से बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता था हम वेलोसिटी को नहीं पहचाने? हमें सब कुछ पता चल गया था और हम मिलकर एक प्लान करते हैं कि हम तुम्हारी गलतियां तुम्हारे मुंह से ही बुलवाएंगे। तभी रानी अपने असली रूप में आ जाती है और सभी फाइट करने लगते हैं। रोबोट बॉय के ऊपर सब अटैक कर उसको खत्म कर देते हैं और सब रानी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रानी के पास बुद्धा का पावर होता है और वो बुद्धा के पावर से मंकी किंग और मॉन्ग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मास्टर पानी के अंदर से निकलकर मंकी किंग के स्टिक पे बैठकर बुद्धा का प्रार्थना करने लगते हैं, जिससे एक बड़ा सा पानी के अंदर से पंजा बाहर निकलता है और रानी के बुद्धा के पावर को खत्म कर देता है। और बुद्धा रानी से बोलते हैं, सुधर जाओ सुनहरी बाज, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जिससे बुद्धा सुनहरी बाज को अपने हाथों में लेके चले जाते हैं। इसके बाद हम वेलोसिटी को देखते हैं जो अपने असली रूप में आने लगती है। वेलोसिटी मास्टर से बोलती है, मुझे खत्म कर दो जिससे मेरी आत्मा आजाद हो जाएगी, जिससे मास्टर वेलोसिटी की आत्मा को आजाद कर देते हैं। इसी जगह से सीन चेंज होता है और हम फिर तीनों को देखते हैं जो मॉन्क के साथ अपने दूसरे सफर पे निकले हुए होते हैं और मजे से आगे बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा टेक केयर।